मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सुपरमैन के जैसा इमॉर्टल है, इमॉर्टल का मतलब समझते हो, जो मर नहीं सकता, आपको क्या लगता है? सर झूठ बोल रहे हो, सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर हमने मूवी देखी है, उस मूवी के अंदर सुपरमैन को बताया गया कि जो कि इमॉर्टल है, हवा में उड़ता है, आंखों से लेज़र फेंकता है, सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बोल सकता हूँ बच्चों, हो सकता है। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में मैं आपको बताऊँगा जो कि सुपरमैन की तरह इमॉर्टल है, और आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो इसी वीडियो को आगे देखने के लिए, जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय नेम इज़ विजय, आई एम बायो फैकल्टी मोशन अलीली डिवीज़न। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे आपने मूवी देखी होगी जस्टिस लीग, उसके अंदर कई सारे सुपर हीरोज़ हैं, जिसमें से एक है सुपरमैन, जो कि सबका फेवरेट है और वो सबसे पुराना है। मेरा भी फेवरेट है बच्चों, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आंखों से लेज़र निकल रही है, हवा में उड़ रहा है बच्चों, इमॉर्टल, कोई नहीं मार सकता, बीमार पड़ता है, सूरज के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन सर आप तो हमें सुपरमैन के बारे में बता रहे हो। नहीं बच्चों, अब मैं आपको एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगा जो कि बच्चों इमॉर्टल है। ठीक है बच्चों, आपने सही सुना, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है इमॉर्टल जेलीफिश। यस, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इमॉर्टल जेलीफिश तो वो खुल जाएगा, आपको उसके फोटोज दिख जाएंगे। ये एक छोटी साइज की जेलीफिश होती है प्यारी बच्चों, ठीक है, ये आपको समुद्र की गहराइयों में देखने को मिलती है। आप बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे जेलीफिश तो मर जाती है? नहीं बच्चों, ये एक स्पेशल जेलीफिश है जिसका नाम है इमॉर्टल जेलीफिश। अगर इसका साइंटिफिक नेम बताओ, ट्यूरीटॉप्सिस इसका साइंटिफिक नेम है, चाहे तो आप ट्यूरीटॉप्सिस ढूंढ लो या फिर आप इमॉर्टल जेलीफिश भी ढूंढ सकते हो प्यारे बच्चों। तो ये जो जेलीफिश होती है बच्चों, इसकी दो स्टेजेस होती है। कितनी? टू स्टेजेस। पहली होती है पॉलिप, दूसरी होती है मेड्यूस। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस इमॉर्टल जेलीफिश की दो स्टेजेस होती है। पहली होती है पॉलिप, दूसरी होती है मेड्यूसा। बताओ जब जेलीफिश अपनी सेक्सुअली मैच्योर स्टेज, जिसको मेड्यूसा बोलते हैं, उसमें आ जाती है। देखिए जो जेलीफिश होती है, इमॉर्टल जेलीफिश, इसके जो इमैच्योर स्टेज होती है उसको बोलते हैं पॉलिप। उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाती है उसको बोलते हैं मेड्यूसा। तो जब जेलीफिश मेड्यूसा स्टेज में आती है, देखिए जेलीफिश जा रही है, जेलीफिश की लड़ाई हो गई, जेलीफिश ने लड़ाई में मुक्का घुमाया, जेलीफिश को मुक्का पड़ा, जेलीफिश बेहोश हो गई। फिर जेलीफिश को लगा यार मैं तो मरने वाली हूँ, तो जेलीफिश क्या करेगी? वापस से पॉलिप स्टेज के अंदर आ जाएगी। यानी कि जेलीफिश ने क्या चालाकी करी बच्चों, जो उसकी मैच्योर स्टेज थी मेड्यूसा, उससे पॉलिप स्टेज में आ गई, पिछली वाली स्टेज में आ गई, यानी फिर से जवान हो गई। फिर वापस से वो अपने आप को जवान कर लेगी, फिर वापस से मैच्योर होकर मेड्यूसा स्टेज में आएगी, फिर वापस से लड़ाई लड़ेगी जख्मियों की, वापस से पॉलिप स्टेज में आ जाएगी। तो ये जो उसका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, मैच्योर से इमैच्योर, इमैच्योर से मैच्योर, मेड्यूस से पॉलिप, ये चलता ही रहता है। और इस तरीके से जेलीफिश धोखेबाजी करके अपने आप को सुपरमैन बना लेती है बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग बात? तो इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। माय नेम इज़ विजय, आई एम बायो फैकल्टी मोशन अली डिवीज़न। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।